बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार रेडियो और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी खबरें क्या, सुपर फाइव यानी बहुजन समाज की पांच बड़े खबरों का टाइम हो चुका है। और आपको बता दें कि आज की पांच बड़ी खबरें क्या है जो बहुजन समाज के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां पर बहुजन समाज के साथ अत्याचार हुआ, कहां बहुजन समाज के नेताओं ने कुछ अच्छा काम किया, कहां पर रैली, कहां पर धरना, कहां पर प्रदर्शन, ये तमाम पांच बड़ी खबरें देश दुनिया की तमाम घटनाओं को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। और आज की पांच बड़ी खबरें हम आपको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर बताते हैं, उसके बाद उन पर विश्लेषण के साथ चर्चा करेंगे। दलित वोटों को लामबद्ध करने के लिए कांग्रेस पार्टी निकालेगी संविधान से स्वाभिमान यात्रा। इसलिए आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र को पुलिस ने बेरहमी से पीटा और बिना किसी कारण के। इधर आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर है, छतरपुर के एक गांव के अंदर दबंगों ने गुटखा खाने से मना करने, थूकने पर, जो गुटखा खाकर थूकते हैं उसके थूकने पर रोकने के लिए एक दलित दुकानदार और उसकी भतीजी को बुरी तरीके से पीट डाला। चौथी बड़ी घटना आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के अंदर बड़ा फैसला लिया है और अपनी कहीं जो महानगर है, कहीं कमेटियां हैं, उनको भंग करके पुनर्गठन की कार्यवाही कर दी है, तो कहीं कैंडिडेट प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। पांचवी बड़ी घटना आपको बता दें कि टीकमगढ़ में ये घटना सामने आई है जहां पर अपने दोस्तों के साथ खड़े और आरोपी जो छात्र है उसके विरोधियों के साथ खड़े होने के कारण ही, केवल मात्र इसी कारण दलित युवक को बुरी तरीके से पीट डाला। तो ये आज की पांच बड़ी खबरें थी, उन पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ कहां कहां पर है। सबसे बड़ी घटना आपको बता दें कि झारखंड सहित तमाम जिन राज्यों के अंदर चुनाव होते हैं उन तमाम तीन राज्यों के अंदर दलित वोटरों को लुभाने के लिए, दलित वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए आपको बताया कि कांग्रेस का बेस्ट वोट मांगना जाता है दलित और मुस्लिम, उन वोटरों को अपने कब्जे में लाने के लिए, अपने पास लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से संविधान से स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। ये तीन राज्यों के अंदर यह यात्रा रहेगी और पूरे राज्य के अंदर ये घूमकर दलितों को संविधान के प्रति जागृत करेगी, उन्हें लामबंद करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों से देखें तो बहुजन समाज या दलित समाज जिसे कहते हैं वो लगातार संविधान की शपथ लेता नजर आता। आपको बताया कि बहुजन समाज के अंदर जैसे जैसे जागृति आई है तमाम लोग ये कहने लगे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी संविधान से स्वाभिमान की यात्रा निकालने जा रही है जो कि झारखंड सहित तीन राज्यों के अंदर निकाली जाएगी। इधर दूसरी घटना आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि यानी लॉ के अंदर पढ़ने वाले थर्ड ईयर के छात्र को पुलिस ने केवल इस मात्र के लिए पीट दिया क्योंकि उसके दोस्त को थाने के अंदर पकड़कर बंद कर रखा था और वो उसे छुड़ाने के लिए गया था। पुलिस ने उसे वहां पर बेरहमी से पीटा, उसके साथ न केवल उनको पीटा बल्कि बेहोश जब तक नहीं हो गया तब तक उसे पिटाई कर दी, उसके कपड़े उतार तक कर उसको पीटने की घटना। ये घटना आपको बता दें कि दिल्ली के आदर्श नगर पुलिस थाने की है जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के थर्ड ईयर के लाख विद्यार्थी दलित जिसका नाम है प्रमोद कुमार, उसने शिकायत दर्ज करवाई है कि आदर्श नगर पुलिस थाने में उसके साथ इस तरीके की बदसुलूकी की गई। उसे पुलिस वालों ने पीटते हुए ये भी कहा कि तुझे कानून की पढ़ाई पूरी हम सिखा देंगे। अब इस मामले में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और आगे की कार्यवाही जारी है। तीसरी बड़ी घटना आपको बता दें कि छतरपुर गांव के कीरतपुरा एक गांव है जहां पर दलित युवक की दुकान पर गुटखा थूकने से मना करने पर उस दलित युवक को और एक उसकी भतीजी यानी उस युवती को भी पूरी तरीके से पीटा। आपको बता दें कि केवल मात्र इतना ही था कि दुकान से पुड़िया खरीदी थी और वहीं पर खाकर थूकने पर जो दुकान पर लड़की बैठी थी उसने मना किया था और इसी कारण दबंगों ने उन चाचा और उस भतीजी को दोनों को बुरी तरीके से मारा। आपको बता दें ये घटना है वो छतरपुर के कीरतपुरा गांव की है। चौथी घटना आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ सहित कई महानगरों की कार्यकारिणी है वो भंग करके पुनर्यहाँ पर नियोजित कर दी गई है। मुस्लिम और दलितों को इसमें खास तरीके से प्रायोरिटी दी गई है ताकि इन जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाए रखा जा सके। वहीं आपको बता दें कि जलालपुर से रितेश पांडे के पिता ने जो टिकट वापस लौटाई थी वहां पर अब बहुजन समाज पार्टी ने छाया वर्मा को उतारा है। छाया वर्मा एक युवा महिला प्रत्याशी है और आपको बता दें कि पेशे से डॉक्टर है। पांचवी बड़ी घटना आपको बता दें कि टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर टहर का रोड पर दलित युवक देवेंद्र को केवल मात्र इसलिए एक आरोपी जिसका नाम है संतराम उसने केवल इसलिए पीट दिया क्योंकि संतराम के जो विरोधी लोग हैं उनके साथ दलित युवक खड़ा था और उसके साथ खड़े खड़े हंसी मजाक कर रहा था। केवल इसी बात पर दलित युवक को संतराम ने पीट दिया और इसका वीडियो वायरल है पूरी मध्य प्रदेश के अंदर। मिलेंगे किसी नए वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक आप सुन लेते हैं विदा। लेकिन आपको बता दें इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।